देखिए, हम सब पूरे खानदान के ही हैं। इससे एक मिसाल समझ में आती है कि हम अपने वतन में भी अपनी रोजी रोटी का निजाम बना सकते हैं। पहले यहाँ पर उस्मानिया हुकूमत थी, नवाबगिरी थी, जागीरदारी थी, फिर उसके बाद पुलिस एक्शन का वाकया हुआ, यहाँ से सारी सल्तनत का निज़ाम, मुसलमानों का, नवाबों का निज़ाम खत्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद दो दरवाजे रोजी के खोले। एक दरवाज़ा गुजरात, अहमदाबाद, बम्बई में रोजी रोटी का दरवाज़ा खोला अल्लाह ने, और दूसरा दरवाज़ा उन्हीं दिनों में सऊदीया और गल्फ में बहता सोना यानी पेट्रोल निकला। तो यहाँ के सारे अक्सर व बेशतर मुसलमान, हमारे दादा नाना, आपके दादा नाना गुजरात के बड़ौदा में, रियाद में और बम्बई में, वहाँ पर रोजगार के लिए गए या तो फिर गल्फ के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर। लेकिन अब दुनिया के हालात और घर के हालात, खानदान के हालात, बेटे और बेटियों के तरबियत के तकाजे हम सबको अच्छी तरह समझा रहे हैं, और मुल्क में जो नई अपॉर्चुनिटीज बन चुकी हैं, आईटी की बड़ी दुनिया बन गई, कारोबार की एक नई दुनिया बन गई, अमेज़न और स्विगी वगैरह की बड़ी दुनिया, नए नए कारोबार के नए नए ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं। जितनी मेहनत वहाँ पर आपने की है उससे कम मेहनत भी यहाँ पर करते हैं, तो माँ बाप की खिदमत के साथ, बीवी बच्चों की निगरानी के साथ, अपनी जवानी और सेहत की हिफाजत के साथ, अपना घर आबाद करने के साथ हम अपनी वतन की रोटी हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सब नियतें करें, दुआ भी होगी कि इंशाल्लाह वतन की रोटी की कोशिश करेंगे, करेंगे ना इंशाल्लाह। और दूसरी बात, पहले इल्म नहीं था, इल्म की कमी थी, बगैर इल्म के कौन सा भी काम होगा वो हमें तबाही की तरफ ले जाएगा। बगैर इल्म के कोई भी काम, हवाई जहाज बगैर इल्म के चलाया नुकसान है, साइकिल बगैर इल्म के चलाया नुकसान है, तिजारत भी बगैर इल्म के अगर चलाएंगे तो नुकसान है, शादी ब्याह भी बगैर इल्म के चला, मैं जितना जानता हूँ काफी है, मेरी उम्र ने जितना सिखाया मुझे काफी है, काफी नहीं है। हर सब्जेक्ट एक प्रोफेशन है, हर सब्जेक्ट एक गहरी मालूमात को चाहता है, हमें गलत तजर्बे से नहीं सीखना है, उलमा से पूछ के सीखना है, एक्सीडेंट करके नहीं सीखना है, उलमा से पूछ के करना है। एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे, आदमी कारोबार में गलतियां कर रहा है, लोनों में बहते जा रहा है, ब्याजों में बर्बाद हो रहा है, निकाह हो रहे, तलाक हो रहे, जुए में शराब में बर्बाद हो रहा है, मीराश तकसीम नहीं कर रहा है, तो पहले आप सीख लेते, हर सब्जेक्ट हम सीख कर करते तो हमारी जान की हिफाजत भी होती, हमारी माल की हिफाजत भी होती, होती नहीं होती। तो इसलिए हम सब नियतें करेंगे कि जो कुरान और शरीयत के इल्म के माहिर लोग हैं उनसे हम इंशाल्लाह पूछ के जिंदगी गुजारेंगे, सब गुजारेंगे ना इंशाल्लाह। कपड़ा कैसे पहना जाता है, घर कैसे आबाद किए जाते हैं, अपने हर उलझन में हम कुरान के बाद किसी के मोहताज नहीं है। एक मिसाल सुनाई जाती है, बच्चा बचपन में पढ़ने के लिए यूरोप चले गया, अब यूरोप जाने के बाद अपनी जबान वतन की भूल गया, इंग्लिश ही सीख गया खाली, इंग्लिश पढ़ के वापस आया, वापस आने के बाद तबीयत खराब हो गई, माँ को इंग्लिश नहीं आती, बच्चे को मकामी जबान उर्दू नहीं आती, तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने आके नुस्खा लिख के दे दिया, चले गया डॉक्टर। अब माँ सराने बैठी हुई है, बच्चा पुकार रहा, वाटर वाटर पुकार, माँ कभी जूस ला कर देती है, पंखा बढ़ा देती है, पंखा कम कर देती है, वाटर वाटर सारा चादर उड़ा देती है, तकिया नीचे रख देती है, और वो चिल्ला रहा है वाटर वाटर। आखिर में माँ परेशान हो गई, डॉक्टर के पास दौड़ी भी गई, साहब मेरा बच्चा कुछ बोल रहा है, मैं उसे नहीं जानती हूँ, आप समझ लीजिए। डॉक्टर ने दहलीज में कदम रखा और वाटर बोलते हुए आखिरी सांस बेटे की निकल गई, और पानी पीने का पलंग के नीचे रखा हुआ, पीने का पानी पलंग के नीचे रखा हुआ है, माँ जबान नहीं जानती है, इस वजह से बच्चा प्यासा मर गया, सराने एक गिलास पानी रखकर। हम कुरान की जबान नहीं जानते हैं, हम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान नहीं जानते हैं, हम शरीयत की जबान नहीं जानते हैं, शरीयत कुरान हदीस उलमा मुफ्तियाने किराम हमारे सराने हैं, और हम टूटे हुए घरानों को लेके मर जाए, बिखरे हुए खानदानों को लेके मर जाए, दराड़ों वाले दिल को लेके मर जाए, नाफरमान औलाद को रख के मर जाए, तो कितना बड़ा नुकसान है।
सराने कुरान रखकर हम बेदीन मर गए, कितना बड़ा नुकसान है। खानदान में डॉक्टर रखकर बीमार मर गए, कितना बड़ा नुकसान है हमारे लिए। इसके लिए हम सब नियतें करें, अल्लाह से भी जुड़ेंगे, अल्लाह वालों से भी जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे ना इंशाल्लाह। हाथ उठाओ दुआ। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اے اللہ اس کے ہمیں سننے کو قبول فرما لیجئے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگیاں جہالت میں گزر گئی، نافرمانی میں گزر گئی، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، ہماری نسلوں کو آپ کا عشق دے دیجئے، آپ سے تعلق دے دیجئے، آپ کے نیک بندوں کی صحبت بدل دیجئے۔ اے اللہ ان کی صحبتیں ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ مال بھی عطا فرما، مال میں برکت بھی عطا فرما، اولاد عطا فرما، اطاعت و فرما برداری بھی عطا فرما، بیٹیاں عطا فرما، حیا اور پاک دامنی بھی عطا فرما۔ اے اللہ جڑے ہوئے گھر بھی عطا فرما، جڑے ہوئے دل بھی عطا فرما۔ اے اللہ دینے والے آپ ہی ہیں، جس کو دیا آپ نے ہی دیا۔ اے اللہ آپ کے سوا ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں آپ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے آپ کافی ہیں، اے اللہ ہمارے لیے آپ کافی ہیں۔ ان میرے بھائیوں نے، ان میرے دوستوں نے، ان میرے رشتے داروں نے اپنی عمریں کھپا دی ہیں روزی روٹی کے لیے، غیرت کی زندگی کے لیے، خودداری کی زندگی کے لیے، بیمار ماں باپ کی خدمت کے لیے، بہن بھائیوں کے نکاحوں کے لیے نیک جذبے سے عمریں گزار دی۔ اے اللہ ان کی عمروں میں برکت دے دیجیے، فرض حج کے بغیر موت نہ دیجیے۔ اے اللہ فرض حج کے بغیر موت نہ دیجیے، ہمارے رشتوں کو آباد کر دیجیے، ہمارے گھروں کو آباد کر دیجیے، قدم قدم پر آپ کے نیک بندوں سے پوچھ کے چلنے والا بنا دیجیے، ہر قسم کے انتشار سے پناہ عطا فرما، غیروں کی چوکھٹ پر جانے سے پناہ عطا فرما، مناسب رشتے مقدر فرما، مقدمے بازیوں سے پناہ عطا فرما، سود و بیاج کی لت سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ بدلنے والے آپ ہی ہیں، بدلنے والے آپ ہی ہیں، موسموں کو آپ بدل دیتے ہیں، ملکوں کو آپ بدل دیتے ہیں، ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، ہماری عادتوں کو بدل دیجیے، ہماری نگاہوں کو بدل دیجیے۔ اے اللہ آپ نے وحشی کو بدل دیا، ہندا کو بدل دیا، اے اللہ آپ نے بشر حافی کو بدل دیا، فضیل بن عیاض کو بدل دیا، اے اللہ ہمیں بھی بدل دیجیے، آپ کے اسماء حسنا کا وسیلہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ ہمیں بھی بدل دیجیے، اے اللہ ہمیں بھی بدل دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ۔